अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। हम सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे थे 12th नीट जेईई के लिए। प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स आज हमारा टॉपिक है। दैट मींस हमें क्या करना है, हमें कोलाइडल सॉल्यूशन इनको आपको अब क्या करना है, प्यूरीफाई करना है। ठीक है, देख लीजिए क्या बोल रहे हैं हम। प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, व्हाट डज दिस मीन। इसका मतलब ये हुआ कि कोलाइडल सॉल्यूशन उसको प्यूरिफाई करना है। लेकिन क्यों प्यूरिफाई करना है, आपको ये भी पता है कि जब हम लियोफोबिक कोलाइड्स को प्रिपेयर करते हैं, किससे करते हो आप इसको कंडेंसेशन मेथड्स, एक तो आपका कंडेंसेशन मेथड्स जो हमने पढ़ लिया है, एंड नंबर सेकंड हमारा डिस्पर्शन मेथड्स, ये भी आप लोगों ने पढ़ लिया, कंडेंसेशन मेथड्स एंड डिस्पर्शन मेथड्स। ठीक, देख लीजिए जब हमने लियोफोबिक कोलाइड्स को प्रिपेयर किया विद द हेल्प ऑफ दीज टू मेथड्स, इससे क्या होगा, हो सकता है वहां पे जो हमारा कोलाइडल सॉल या कोलाइडल सॉल्यूशन आप जिसको बोलोगे, इसमें सॉल्युबल इंप्योरिटीज हो। क्या हो, सॉल्युबल इंप्योरिटीज। ठीक, एंड साथ साथ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देख लीजिए हम क्या बोल रहे हैं यहां पे, हमने पहले क्या किया, पहले तो हमने कोलाइड्स की प्रेपरेशन की, लियोफोबिक कोलाइड्स की प्रेपरेशन की। उसके लिए हमारे पास दो मेथड्स थे, दैट इज कंडेंसेशन मेथड्स एंड डिस्पर्शन मेथड्स, जिसको आप डिसइंटीग्रेशन मेथड भी बोलते हो। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रेपरेशन हो सकता है कि जो हमारा कोलाइडल सॉल्व जो प्रिपेयर हो गया, इसमें सॉल्युबल इंप्योरिटीज हो कुछ, एंड साथ साथ एक्सेस ऑफ व्हाट, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देख लीजिए इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर आपको याद हो, हमने उस वक्त बोला था जो हमारा ये लियोफोबिक कोलाइड्स होते हैं, दे आर व्हाट, दे आर अनस्टेबल। स्टेबल करने के लिए मैंने उस वक्त बोला था यू हैव टू एड स्मॉल अमाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसमें आपको स्मॉल अमाउंट्स में इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करना पड़ेगा, एंड दीज इलेक्ट्रोलाइट्स वर कॉल्ड स्टेबलाइजर्स। क्या बोलते हम इनको हम स्टेबलाइजर्स बोलते थे उस वक्त। लियोफिलिक के लिए तो जरूरत नहीं थी इसकी, लेकिन लियोफोबिक की बात जब हमने की थी उस वक्त हमने बोला था कि लियोफोबिक कोलाइड्स क्या है, ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल मींस व्हेनेवर दे गेट प्रेसिपिटेटेड, ये बैक नहीं हो रहे थे कोलाइडल रेंज में, तो फिर प्रेसिपिटेशन बचाने के लिए हम उस वक्त किसका यूज कर रहे थे, स्टेबलाइजर्स का यूज कर रहे थे। व्हाट वर दीज स्टेबलाइजर्स, दे वर स्मॉल अमाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन एक बात यहां पे, आपने यहीं से क्या ऐड किया इसमें, इलेक्ट्रोलाइट। हो सकता हो आपने एक्सेस अमाउंट्स में क्या किया हो, इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड किया हो, जरूरत तो बहुत कम की थी। अब क्या, आप अगर ये एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इसी कोलाइडल सॉल्यूशन में रहा, तो ये सॉल्यूशन का क्या कर देगा, इसका कोगुलेशन या इसका प्रेसिपिटेशन कर देगा। क्या कर देगा, प्रेसिपिटेशन, या इसको आप बोलते हो कोगुलेशन। फर्स्ट तो हमने ये बोला था कि हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए ताकि प्रेसिपिटेशन से बचे ये कोलाइडल सॉल्व। लेकिन अगर आप यही इलेक्ट्रोलाइट इन एक्सेस अमाउंट्स लोगे, तो ये क्या करेगा, ये प्रेसिपिटेशन करेगा, एंड व्हाट विल इट डू, जिसको आप बोल रहे हो कि ये कोगुलेशन करेगा। क्या करेगा, कोगुलेशन। ठीक, अब क्या करना है, प्रेसिपिटेशन या कोगुलेशन बचाने के लिए दिस एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इसको रिमूव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आपको रिमूव करना पड़ेगा, एंड दैट इज कॉल्ड प्यूरिफिकेशन। दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड योर प्यूरिफिकेशन। दैट मींस जब आप कोलाइडस की प्यूरिफिकेशन की बात कर रहे हो, आपके माइंड में एक बात होनी चाहिए कि हमें एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को रिमूव करना है फ्रॉम द कोलाइडल सॉल्व, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड प्यूरिफिकेशन। अगर आप इस प्यूरिफिकेशन की डेफिनेशन यहां पर लिखोगे, तो डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हो आप, क्या लिखोगे डेफिनेशन, इट इज द प्रोसेस। ये प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस, बाय विच एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट
एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज रिड्यूस्ड टू मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्यूरिफिकेशन। देख लीजिए इस डेफिनेशन की तरफ, देख लीजिए आप, मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा कि एक प्रोसेस करनी पड़ेगी आपको, वो प्रोसेस हम देख लेंगे आगे कैसे कैसे आप प्यूरिफिकेशन कर लोगे। इस प्रोसेस में क्या करना है, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आपने डाली थी किसमें, लायोफोबिक कोलाइड में, उसमें से आपको रिड्यूस करना है। क्या करना है इसको, रिड्यूस, लेकिन सारा आपको निकालना नहीं है, कितना मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल तक रिड्यूस करना है, क्योंकि मैंने बोला था स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जरूरी है किसके लिए, स्टेबलाइजेशन के लिए। वही हम बोलते हैं इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो आपने ज्यादा डाली थी वो आपको रिमूव करनी है या रिड्यूस करनी है, कहां तक, मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल जितना आपको चाहिए इसके लिए, बाकी आपको रिमूव करना है। एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड प्यूरिफिकेशन। देख लीजिए जो ये प्यूरिफिकेशन आप कर रहे हो, इसके लिए कौन कौन सा मेथड्स हमारे पास अवेलेबल है। नंबर फर्स्ट डायलिसिस। नंबर सेकेंड यहां पे लिखते हैं इट इज इलेक्ट्रो डायलिसिस। नंबर थर्ड इट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। एक बार फिर, कितने मेथड्स आपको यूज करने हैं, कितने प्रोसेस आपको यूज करने हैं जिससे आप लायोफोबिक कोलाइड की प्यूरिफिकेशन कर सकते हो। एक तो आपका डायलिसिस, इलेक्ट्रो डायलिसिस एंड व्हाट, एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब हम इसको एक एक करके ले लेंगे, देखेंगे कि ये कैसे हम प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं लायोफोबिक कोलाइड्स की। बहुत ही आसान टॉपिक है ये, इवन की सरफेस केमिस्ट्री सारी आसान ही है। देख लीजिए हमारा जो पहला यहां पे होगा That is dialysis. ठीक, dialysis. देख लीजिए इस dialysis से आपको करना क्या पड़ेगा, इस dialysis से आपको क्या करना है, कैसे आप collider solution को क्या कर सकते हो, purify कर सकते हो, या जिसको आप purification बोलते हो। ठीक, देख लीजिए ये जो आपका ये dialysis है, it has a basic principle। हम पहले ये देखेंगे कि ये जो हमारा डायलिसिस है ये किस प्रिंसिपल के बेस पे काम करता है, काम करने का मतलब कैसे ये कोलाइडर सॉल्यूशन को रिम प्यूरिफाई करता है फ्रॉम द इंप्यूरिटीज, और यू कैन से फ्रॉम द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, इसके लिए कौन सा प्रिंसिपल है, इसके लिए प्रिंसिपल है, क्या प्रिंसिपल है, अनइक्वल रेट्स ऑफ डिफ्यूजन, अनइक्वल रेट्स ऑफ डिफ्यूजन of कोलाइड एंड क्रस्टलॉइड। देख लीजिए यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है, किसका बेसिक प्रिंसिपल, डायलिसिस का, जिसमें यह काम कर रहा है, क्या है वो बेसिक प्रिंसिपल, इट इज द अनइक्वल रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ कोलाइड एंड क्रस्टलॉइड। लेकिन यहां पर तो हमें कोलाइड की बात कर रहे थे, ये क्रस्टलॉइड कहां से आ गया, ये क्रस्टलॉइड कहां से आ गया। ठीक, फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पे एक कोलाइडल सॉल प्रिपेयर किया था लायोफोबिक, इसको स्टेबल करने के लिए आपने KOH इलेक्ट्रोलाइट ऐड की थी, अब आपने ये KOH एक्सेस में लिया है, इसको आपको रिमूव करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, रिमूव। यहां पे देख लीजिए हमने पहले ही बोला है कि जो कोलाइड होता है ये कोलाइड एनिमल मेम्ब्रेन से पास नहीं होता, देख लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, डज नॉट पास थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन, ये एनिमल मेम्ब्रेन से पास नहीं होता। लेकिन यहां पे जो आपने KOH लिया, इसके पार्टिकल के साइज बहुत छोटे हैं, इट पासिस थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन और पारिश्मेंट मेम्ब्रेन, ये एनिमल मेम्ब्रेन ये पारिश्मेंट मेम्ब्रेन से पास हो जाता है। पहला लेक्चर याद कर लीजिए आप कोलाइडल साइंस का, उस वक्त मैंने बोला था दो सबस्टेंसेस विच
does not pass through the animal membrane are called colloids, and which passes through the parchment membrane are called crystalloids. All called crystalloids. That means जो ये crystalloid word मैंने यहाँ पे use किया है, it is for electrolyte. It is for what? It is for electrolyte. हाँ, colloid भी है आप, electrolyte भी है आप. क्या करना है आपको? Unequal rates of diffusion of colloid and crystalloid. इस basis पे आप crystalloid को pure बना सकते हो. That means इसमें जो excess electrolyte है, इसको आप remove करोगे. क्या लिखा है यहाँ पे? Unequal rates of diffusion. Unequal rates of diffusion. कहाँ से? Through parchment membrane or through enamel membrane. देख लीजिए, जब आप इसको enamel membrane में रखोगे या पारिशमेंट मेम्ब्रेन में रखोगे, अनइक्वल रेट्स ऑफ डिफ्यूजन मींस ये इलेक्ट्रोलाइट इससे बाहर आएगा एंड अंदर आपका क्या रहेगा? कोलाइड, बिकॉज कोलाइड डज नॉट पास थ्रू द एनेमल मेम्ब्रेन. अब देख लीजिए, इसके लिए आपको क्या एपरेटस, किस एपरेटस की जरूरत है? क्या करना पड़ेगा आपको? आपको एक कंटेनर लेना पड़ेगा, ठीक है. अब इस कंटेनर में क्या रखना है आपको, ये देख लीजिए आप. यहां से आप इसमें क्या फ्रेश वाटर इसमें आप ऐड कर रहे हो. ऑलरेडी इसमें क्या है अपना? इसमें वाटर है, ठीक. क्या है इसमें? वाटर है. इसमें फ्रेश वाटर ऐड भी कर रहे हो एक साइड से. अब क्या करना है आपको? अब आपको ये कोलाइड, कौन सा कोलाइड जिसको आप रिमूव प्रिपेयर प्यूरिफिकेशन करने की कोशिश कर रहे हो, इसके साथ आपका इलेक्ट्रोलाइट भी है, ये आपको एक बैग में यहां पे लेना है, पारिशमेंट मेम्ब्रेन बैग में या एनिमल मेम्ब्रेन बैग में लेना है यहां पे. जैसे ही आप इसको बैग में लोगे, जस्ट लाइक दिस, देख लीजिए यहां पे इसको रखोगे टांग के, ठीक. अब देख लीजिए क्या हो रहा है, इसमें क्या रखा है अपना? इसमें अपना कोलाइड है एंड साथ साथ क्या है इसमें? इसमें साथ साथ हमारा इलेक्ट्रोलाइट है. अब जैसे ही आप यहां वाटर को इंसर्ट कर रहे हो, ये वाटर यहां से होके यहां चला जाता है, यहां से होके यहां चला जाता है, क्योंकि वाटर तो पास होगा ही एनिमल या पारिशमेंट मेम्ब्रेन से, लेकिन साथ साथ ये अपने साथ किसको लेके जाएगा? ये अपने साथ इलेक्ट्रोलाइट को लेके जाएगा. किसको लेके जाएगा? इलेक्ट्रोलाइट को लेके जाएगा. एंड अंदर क्या रह जाएगा आपका? अंदर रह जाएगा प्योर कोलाइड. अंदर रह जाएगा प्योर कोलाइड. This is dialysis. What does this dialysis mean now? आपको क्या करना है? आपको एक cellophane bag या animal membrane का bag लेना है, उसमें colloid and electrolyte को रखना है. जैसे ही fresh water आप इसमें insert करोगे, ये fresh water अपने साथ through membrane, through animal membrane क्या ले जाएगा? ये electrolyte को बाहर करेगा and आपके पास जो colloid रहेगा, that colloid will remain pure. That colloid will remain pure. ठीक है. अगर आपको इस dialysis का definition देना होगा, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे it is the process. ये एक process है. अब आप खुद बोलिए कौन सी process जिससे आप colloids को colloids से electrolytes को remove कर रहे हो. By which क्या लिखोगे? By which colloids are purified by which colloids are purified, ठीक है, from electrolytes. यहां पे ये भी लिख लीजिए, from electrolytes or excess electrolytes by unequal rates of diffusion of colloid and crystalloid. देख लीजिए क्या लिख लिया हमने यहाँ पे. हमने यहाँ पे लिख लिया कि ये एक प्रोसेस है. कौन, क्या प्रोसेस है? इससे आप colloids को प्यूरिफाई कर रहे हो. किससे प्यूरिफाई कर रहे हो? इलेक्ट्रोलाइट से, by unequal rates of diffusion. Unequal means यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोलाइट बाहर जाएगा, इसका डिफ्यूजन रेट ज्यादा है एंड इसके पास डिफ्यूजन रेट कम है, क्योंकि ये पोर्स के थ्रू बाहर नहीं जाएगा. इस प्रोसेस को आप क्या बोल रहे हो? डायलिसिस. आपने मेडिकल्स में भी डायलिसिस का यूज देख लिया होगा. जब किसी इंसान को किडनी की प्रॉब्लम होती है, तो वहां पे इसका जो ब्लड होता है,
ब्लड जो होता है इम्प्योर ब्लड, अगर ये इंसान की बॉडी में जमा हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसको प्योर करने के लिए, क्योंकि इसकी किडनी काम नहीं कर रही है, हम किसका यूज कर रहे हैं? हम डायलिसिस का यूज कर रहे हैं, डायलिसिस का यूज कर रहे हैं इन मेडिकल साइंस। वी कैन से इन मेडिकल साइंस भी हम डायलिसिस का यूज कर रहे हैं। किस पेशेंट? जिस पेशेंट को रिनल फेलियर, दैट मींस जिसको किडनी प्रॉब्लम हो, इम्प्योर ब्लड को प्योर बनाने के लिए हम वहां पे क्या करते हैं? डायलिसिस का इस्तेमाल करते हैं। दिस वाज द फर्स्ट प्रोसेस बाय विच वी कैन प्यूरिफाई कोलाइड्स फ्रॉम एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब इसका दूसरा मेथड जो हमने बोला था, दैट इज इलेक्ट्रोडायलिसिस। ये देख लीजिए, इस पे भी वर्ड आ गया हमारा डायलिसिस। क्या लिखेंगे यहां पे? नंबर सेकंड, एंड इट इज इलेक्ट्रोडायलिसिस। इट इज इलेक्ट्रोडायलिसिस। देख लीजिए, डायलिसिस जब है तब हम यहां पे ये लिखेंगे, इट इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डायलिसिस। क्या मॉडिफाइड? देख लीजिए, जैसे ही आपने ये प्रोसीजर अभी देखा, पीछे जाके देख लीजिए जो हमने अप्रेक्स बनाया था, इस प्रोसेस को बहुत ज्यादा टाइम लगता है। दैट मींस प्रोसेस ऑफ डायलिसिस इज स्लो। जो डायलिसिस की प्रोसेस आपने देख ली, वो प्रोसेस बहुत स्लो है, ठीक है। अब इस प्रोसेस को हमें फास्ट करना है। अब इस प्रोसेस को क्या करना है? फास्ट। एंड बाय विच वी आर मेकिंग दिस डायलिसिस टू गो अंडर गो फास्ट, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट? इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो, मींस इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिसिटी। अब हम इस वक्त क्या करते हैं? हम डायलिसिस ही कर रहे हैं बट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट। हम इलेक्ट्रिक करंट की मदद से डायलिसिस करते हैं ताकि रेट ऑफ डायलिसिस हमारा इस वक्त क्या, हमारा इस वक्त इंक्रीज हो जाए, हमारा इस वक्त इंक्रीज हो जाए। यही इलेक्ट्रोडायलिसिस मेडिकल साइंस में काम करती है। तभी पेशेंट्स को जल्दी जल्दी वहां उसका ब्लड प्योर किया जाता है, ठीक है। अब देख लीजिए ये इलेक्ट्रोडायलिसिस है क्या हमारा, ये देख लीजिए। मैंने वैसे ही एक कंटेनर बनाया, वैसे ही इसमें प्योर वाटर है। क्या है इसमें? प्योर वाटर। एंड प्योर वाटर के साथ साथ यहां पे हम इसका प्योर वाटर रखेंगे, ठीक है। एंड सेम यहां पे एक बैग रखेंगे हम। किसका बैग रखोगे? यहां पे हम बैग रखेंगे एनिमल मेम्ब्रेन और सिलोफेन मेम्ब्रेन टांग के रखेंगे। इसमें क्या होगा अपना? इसमें अपना कोलाइड होगा विथ इंप्योरिटीज विथ एक्सेस ऑफ व्हाट? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब देख लीजिए आप क्या करना है, यहां से आप इसको पॉजिटिव प्लेट लगाओगे, यहां से इसको नेगेटिव प्लेट लगाओगे। देख लीजिए मैं क्या कर रहा हूं, एक साइड से आपने पॉजिटिव प्लेट लगाया बैटरी का, दूसरी साइड से आपने नेगेटिव प्लेट लगा लिया। अब इस KOH की बात कीजिए, हम इसी की एग्जांपल हमने ले ली थी। मुझे बोलिए इसमें K की चार्ज पॉजिटिव एंड OH की चार्ज क्या है? नेगेटिव। अब इससे पहले जब हम डायलिसिस करते थे, ये आराम से इसके पोर से निकल जाता था, आराम से, दैट मीन स्लोली निकल के दूसरे साइड चला जाता था। लेकिन इस वक्त हमने फोर्स यूज किया। व्हाट फोर्स? इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ये के पॉजिटिव जल्दी जल्दी यहां चला जाएगा, एंड यहां OH नेगेटिव यहां पे चला जाएगा। देख लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, हमने वही डायलिसिस की, लेकिन डायलिसिस की हमने इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर आपको इलेक्ट्रो डायलिसिस की डेफिनेशन भी लिखनी हो, इट इज ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डायलिसिस इन विच द रेट ऑफ डायलिसिस इज इंक्रीज्ड बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट। जहां आप इलेक्ट्रिक करंट की वजह से रेट ऑफ डायलिसिस को क्या कर रहे हो? इंक्रीज। देख लीजिए यहां पे नेगेटिव चार्ज है, इसमें जो भी पॉजिटिव चार्ज के टाइम होगा इसको ये जल्दी जल्दी अपने तरफ खींच लेगा, और यहां पे जो नेगेटिव चार्ज होगा इसको ये पॉजिटिव प्लेट अपनी तरफ जल्दी जल्दी खींच लेगा, एंड अंदर आपका क्या रह जाएगा? प्योर कोलाइड। ठीक है, ये हो गए हमारे दो मेथड्स। अब हमारा थर्ड मेथड, दैट इज सिंपल अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या है हमारा थर्ड मेथड?
अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब इसकी तरफ देख लीजिए, अगर आप सिंपल या हम ये बोलेंगे ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर ले लें, क्या ले लें, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, जैसे आपकी लेबोरेटरी में है फिल्टर पेपर, इसको हम ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर बोलते हैं, उसमें जो पोर साइज होता है दैट इज बिग। देख लीजिए, हमें सेपरेट करना है, कौन कौन सा सेपरेट करना है, क्रिस्टलॉइड एंड कोलॉइड, या आप बोल सकते हैं कोलॉइड एंड इलेक्ट्रोलाइट सेपरेट करना है। लेकिन मैं बोल रहा हूं जो कि लेबोरेटरी में आपके पास फिल्टर पेपर होता है उसका पोर साइज होता है बड़ा, एंड इससे क्या हो जाता है, कोलॉइड भी पास होता है एंड क्रिस्टलॉइड तो होगा ही, क्रिस्टलॉइड मीन्स हियर इलेक्ट्रोलाइट। ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर विच इज प्रेजेंट इन योर लेबोरेटरी, क्या इससे दोनों चीज पास होते हैं, तो प्यूरिफिकेशन हो गई, नहीं, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू मेक साइज ऑफ पोर स्मॉल, आपको साइज ऑफ पोर क्या करना है, स्मॉल करना है, ताकि सिर्फ क्रिस्टलाइट निकले एंड कोलाइड क्या हो जाए, कोलाइड ऊपर ही रहे, इससे पास ना हो जाए। ठीक है, जैसे आप घर में छानी का यूज करते हो आटे के लिए, तो फिर उसमें जो वो मडी पार्टिकल्स होते हैं या कुछ डस्ट पार्टिकल वो ऊपर रहता है, दैट मींस हम इसको एग्जांपल लेंगे कोलाइड, एंड आटा नीचे आता है, दैट इज क्रिस्टलाइट, दैट इज आल्सो प्यूरिफिकेशन मेथड इज डन इन आवर होम्स दिल्ली। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर का साइज क्या कम करना है, इसके लिए ये जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है आपका, इसको क्या करना है, एड आपको जेलेटिन, सोक करना है जेलेटिन में, इस जेलेटिन से क्या हो जाएगा, इससे साइज ऑफ फिल्टर पेपर ये डिक्रीज हो जाता है, साइज ऑफ फिल्टर पेपर क्या हो जाता है, डिक्रीज, एंड इसके बाद क्या करना है, इसको सो करना है फॉर्मल्डिहाइड के साथ, क्या करना है, फॉर्मल्डिहाइड के साथ मिलाओ, ये फॉर्मल्डिहाइड इसको हार्ड बनाता है, क्या बनाता है, हार्ड। पहले जो आपका ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर था इसका साइज था बड़ा, कोलाइड एज वेल एज क्रिस्टलाइट वायर पासिंग थ्रू इट, देयर वायर नो प्यूरिफिकेशन, अब आपको साइज ऑफ द पोर स्मॉल करने के लिए पहले इसको जिलेटिन में सोक करो, एंड उसके बाद जिलेटिन में सोक करने से साइज डिक्रीज होगा, एंड हॉट बनाने के लिए फॉर्मल्डिहाइड में सोक करो। अब क्या करोगे आप, जैसे ही आप ऊपर कोलाइड रखोगे, कोलाइड ऊपर ही रहेगा, एंड क्रिस्टलाइट जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इससे बाहर निकल के आएगा, आपका प्यूरिफिकेशन हो गया कोलाइड का, किसका, कोलाइड का प्यूरिफिकेशन हो गया। देख लीजिए आप दूसरी बात, जो आपने इधर पोर कम किए, इस फिल्टर पेपर को आप बोलते हो अल्ट्रा फिल्टर पेपर, क्या बोलते हो, अल्ट्रा फिल्टर पेपर, ठीक। एंड इस प्रोसेस को हम, फॉर एग्जाम्पल ये हमने एक फ्लास्क ले ली, यहां पर हम फनल ले लेते हैं, इस फनल में हम लेबोरेटरी में ये फिल्टर पेपर यहां पे रखते हैं, ऊपर हमने कोई सा भी चीज ले लिया जिसको आपको सेपरेट करना होगा, जो इसमें क्रिस्टलाइट पार्ट होगा वो यहां चला जाता है, एंड कोलाइड और सस्पेंशन ऊपर रह जाता है, इस प्रोसेस को हम लेबोरेटरी में बोलते हैं फिल्ट्रेशन, क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन। एंड यहां पर भी आप अगर देख लो तो आप फिल्ट्रेशन कर रहे हो, यू आर सेपरेटिंग टू थिंग्स, जस्ट लाइक हम लेबोरेटरी में फिल्ट्रेशन बोलते हैं, यहां भी क्या इस प्रोसेस को बोलोगे, फिल्ट्रेशन। लेकिन फिल्ट्रेशन आपने किस पेपर से कराया, अल्ट्रा फिल्टर पेपर से, दैट मींस दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, इट्स कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, दिस वॉज प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन यूजिंग इलेक्ट्रो डायलिसिस एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, जिसने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपके पास लेक्चर्स की रेगुलर इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।